प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। पिछले हफ्ते या मैंने जो पिछला संदेश दिया था वो यूहन्ना के शुभ संदेश दूसरे अध्याय से था, जहां हमने काना में जो विवाह था उसके बारे में देखा। ये बात मैंने याद दिलाई थी कि राजाओं के राजा जो भी आज्ञा देते हैं उस आज्ञा को तन मन धन से मानना हमारी जिम्मेदारी है। उसी अध्याय में हम जब आगे बढ़ते हैं तो 13 पद से आज देखेंगे, 13वें पद से हम में से सब लोग इन पोर्शंस को इसके पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन कई बार प्रभु के वचन में जो बात कही गई है वो पृष्ठभूमि थोड़ा सा और समझ लें तो प्रभु के वचन में जो कहा गया है उसकी गंभीरता कुछ और अधिक समझ में आती है। यूहन्ना का शुभ संदेश दूसरे अध्याय के 13 और 14 पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं। यूहन्ना 2:13 और 14 क्या पढ़ते हैं वहां? यहूदियों का पासे का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया और उसने मंदिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सरापों को बैठे हुए पाया। बहुत अच्छा, शुक्रिया भाई। और मेरे सामने पद पोस्ट करने के लिए कमल और जस्सी का भी आभार। दो पद हमने पढ़े जिसमें पहला पद तो हमको बताता है यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। हम इस बात को जानते हैं कि यहूदियों के जितने पर्व थे या त्योहार थे उनमें फसह बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। और प्रभु जब संसार में थे तो प्रभु एक यहूदी थे, ये बात मैं याद दिला दूं। एक यहूदी परिवार में जन्म लिया, मनुष्य के रूप में संसार में जीवन उन्होंने बिताया एक यहूदी के रूप में। इसीलिए यहूदियों के जीवन में जो कुछ होता था सब प्रभु के जीवन में हुआ। पैदा होने के बाद खतना करने से लेकर आगे जो कुछ होना है सब कुछ हुआ। यहूदी लोग उस समय यूहन्ना भविष्यवक्ता है उनकी वाणी सुनकर बपतिस्मा ले रहे थे। प्रभु ने भी जाकर बपतिस्मा लिया और ये कहा कि सारी धार्मिकता पूर्ण करना मेरे लिए उचित है, क्योंकि मैं मनुष्य के रूप में इस संसार में आया और इस समय लोगों से जो उम्मीद की जाती है बेहतर हो कि मैं स्वयं अपने जीवन में उस उम्मीद के अनुसार कार्य करूं। तो चूंकि प्रभु पूर्ण मनुष्य के रूप में संसार में पधारे थे इस कारण, और चूंकि वे यहूदी थे इस कारण, जब फसह का त्योहार निकट आया तो प्रभु के लिए जरूरी था कि जिस तरह से अन्य यहूदी लोग यरूशलेम में मंदिर में जाकर विशेष रूप से परमेश्वर की आराधना करते हैं उस तरह से आराधना करें। ये सब ऐसी चीजें हैं जिनकी हम उम्मीद करते हैं, लेकिन 13वें पद में जो बात कही गई है वो ऐसी बात है जिसकी कतई किसी तरह से कोई उम्मीद नहीं है। वहां लिखा है 13वें पद में प्रभु ने मंदिर में बैल भेड़ और कबूतर के बेचने वालों को और सर्राफों को बैठे देखा। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं आपको याद दिला दूं। आज से लगभग 3500 साल पहले मिस्र देश की गुलामी से प्रभु ने अपने बच्चों को बचाया और महान आत्मिक नायक मूसा के नेतृत्व में प्रभु मिस्र देश से निकालकर उनको वाचा के देश या कनान देश में ले गए। हफ्ते दो हफ्ते की यात्रा
40 साल लगे, इसलिए कि लोगों ने प्रभु के साथ बलवा किया। यह सब अलग अध्ययन का विषय है, लेकिन यह पृष्ठभूमि मन में रहना जरूरी है। प्रभु जब उनको मिस्र देश से निकालकर आगे ले गए, तो वो जो 40 साल का रास्ता था, उस 40 साल के रास्ते में प्रभु ने मूसा को बताया कि किस तरह से प्रभु की आराधना के लिए एक तंबू बनाना है, जिसको प्रभु के वचन में मिलाप वाला तंबू कहा जाता है। मिलाप वाला तंबू इसलिए कहा जाता है कि वहां मनुष्यों और प्रभु के बीच में मेल मिलाप का एक, क्या कहना चाहिए, वो एक नमूना है, और मिलाप उस जगह होता था। ये जो मिलाप वाला तंबू है, काफी सालों उनके साथ रहा, जिसके बाद दाऊद ने प्रभु के लिए एक मंदिर बनाने की तैयारी की। प्रभु ने कहा कि तैयारी तो कर लो, लेकिन मंदिर तुम्हारा पुत्र सुलेमान बनाएगा। और इस तरह से सुलेमान ने एक बहुत बड़ा मंदिर यहूदियों के लिए बनाया, जिसका वर्ण पुराने नियम में अपने को मिलता है। लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 लोग उस मंदिर की उपेक्षा करने लगे, और ईसवी पूर्व 600 के आसपास दुश्मनों ने आकर उस मंदिर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, और मंदिर में जो सोने और अन्य चीजें जड़े थे वो सब उखाड़ के ले गए, और इस तरह से मंदिर बिल्कुल बर्बाद पड़ा रहा। जिसके कुछ समय के बाद प्रभु ने अवसर दिया, तो एज्रा नहेमिया वगैरह ने आकर उस मंदिर का पुनर्निर्माण किया, लेकिन वो मंदिर कभी भी जैसा ओरिजिनल सुलेमान ने बनाया था वैसा नहीं हो पाया। लेकिन उसके बहुत सालों के बाद हेरोदेस राजा, हेरोद महान जिसको कहा जाता है, वो यहूदी नहीं था, वो यहूदियों का राजा बन गया या यहूदियों का शासक बन गया। वो यहूदियों को प्रसन्न करना चाहता था, इसलिए उसने लगभग 40 साल लगाकर यहूदियों को एक अति विशाल मंदिर तैयार करके दिया। यह है मंदिर की पृष्ठभूमि। इस महान मंदिर में जब हम कोई भी व्यक्ति जाता है, मंदिर काहे के लिए है, प्रभु की आराधना के लिए है। मंदिर में क्या होना चाहिए, पुराने नियम में प्रभु ने मिलाप वाले तंबू के बारे में जो कहा था उसके अनुसार पवित्र स्थान होना चाहिए, अति पवित्र स्थान होना चाहिए। ऐतिहासिक तौर पर हम देखते हैं कि जब सुलेमान ने मंदिर बनाया, तब उसके अलावा और भी, उसके बाहर भी दो तीन सेक्शन थे। एक सेक्शन जहां पर गैर यहूदी लोग जा सकते थे, एक सेक्शन जहां स्त्रियां जा सकती थी, एक और सेक्शन था जहां औसत यहूदी जा सकता था। उसके बाद आता था पवित्र स्थान जहां सिर्फ याजक लोग प्रवेश कर सकते थे, और उसके बाद आता था अति पवित्र स्थान जहां पर सिर्फ महायाजक साल में एक बार प्रवेश कर सकता था। मंदिर की ये रूपरेखा जिसने भी पुराना नियम पढ़ा है उसके मन में है। तो जब हम मंदिर में जाते हैं, तब मन में ये उम्मीद होती है जेंटाइल्स या जो गैर यहूदी है उनके लिए स्थान, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, और उसके बाद पवित्र स्थान जिसके अंदर सिर्फ याजक लोग प्रवेश कर सकते हैं, ये सब हमको दिखेगा। लेकिन प्रभु का वचन अभी हमने जो पढ़कर देखा, वहां हम देखते हैं मंदिर में बैल, भेड़, कबूतर के बेचने वाले। ये तो बड़ी अनहोनी है। मंदिर तो प्रभु की आराधना करने की जगह है जहां जानवर बंधे हुए हैं। याद रखिए, ये मंदिर के बाहर का हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है कि मंदिर के बाहर बेचे जा रहे थे। हम लोग ये जानते हैं कि यहूदी लोग जब मंदिर में जाते हैं या देवालय में जाते हैं, तो प्रभु के लिए तमाम तरह के बलिदान चढ़ाते हैं या बलिदान करते हैं, और इन बलिदानों के लिए जानवरों की जरूरत है। लोग ये जानवर अपने घरों से लाते हैं, लेकिन दूर से जो लोग आते हैं उनको जानवरों की जरूरत पड़ती है,
और इसलिए वो लोकल मार्केट में आने के बाद जानवर खरीद कर लाते हैं। और इसलिए यदि मंदिर के एकदम बाउंड्री के बाहर कहीं जहां बाजार है या हाट है, वहां पर यदि बैल, भेड़, कबूतर वगैरह बिक रहे हों, तो उसमें कोई ताज्जुब नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन याद दिलाता है कि यहाँ बैल, भेड़ और कबूतर मंदिर के अंदर बिक रहे थे, मंदिर के अंदर का हिस्सा यहूदी स्त्रियों, यहूदी पुरुषों, और बाहर का जो आहाता है वो गैर यहूदियों, भक्त गैर यहूदियों के लिए था, ये जानवरों के लिए नहीं था। लेकिन जब प्रभु यीशु मंदिर पहुंचे, ये लगभग 31 ईस्वी के आसपास की घटना है, मंदिर के अंदर जानवर बंधे हुए थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि प्रभु जब मंदिर में गए, तब तक यहूदी धर्म का स्वरूप इतना भ्रष्ट हो चुका था कि जिस जगह मनुष्य को खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, वो जगह जानवरों से भरा हुआ था। आप कहेंगे कि भाई हुआ होगा, ये अपने आप में कोई अपवाद है। जी नहीं, जब हम मसीही मंडली का पिछले 2000 साल का अध्ययन करते हैं, तब यही बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी वाणी दी है, अपना प्रकाश दिया है, लेकिन जब धर्म का स्वरूप, विश्वास का स्वरूप भ्रष्ट हो जाता है, तो मनुष्य से ज्यादा महत्व वहां पर वस्तुओं को दिया जाता है। ये बैल, भेड़ और कबूतर वहां पर आए थे बेचने के लिए, ये लाए गए थे बेचने के लिए। जानवर बेचे जाते हैं हाट में, लेकिन यहां जानवर बेचे जा रहे थे मंदिर में। और इस कारण मंदिर में, जहां मनुष्यों को प्रभु की आराधना के लिए एकत्रित होना है, वो जगह जानवरों से भरा हुआ था। जरा सोच कर देखें कि अति पवित्र परमेश्वर ने अपनी आराधना के लिए जो स्थान नियुक्त किया है, उसको जानवरों से भर दिया गया है, क्योंकि वहां महत्व व्यापार को है, व्यक्तियों को नहीं। ये बार बार हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि जब विश्वास का स्वरूप भ्रष्ट हो जाता है, तब ऐसा ही होता है। अच्छा, अब सवाल यह है कि मंदिर के अंदर क्यों बेचे जा रहे थे? बाहर भी तो बांधे जा सकते थे मंदिर के बाहर। अच्छा, जानवर जहां भी बांधे जाएंगे, वहां पर गोबर, मल मूत्र सब गिरेगा, गंदा होगा, दुर्गंध होगा। प्रभु का वचन, प्रभु का मंदिर, जहां पर पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान है, वो एक ऐसी जगह नहीं है जहां मल मूत्र और बदबू आए। वो तो एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां लोग बड़ी आत्मिक शांति के साथ जाकर प्रभु की आराधना कर सकें, और जहां हर जगह सुगंध ही सुगंध हो। बलिदान के साथ वहां जो चढ़ाए जाते थे, उसके साथ जिन चीजों को अग्नि में होम करने के लिए प्रभु ने कहा था, उनके कारण वहां सुगंध फैलना था, लेकिन वहां दुर्गंध ही दुर्गंध। मंदिर का जो शांत, मंदिर का जो सुगंध युक्त वातावरण है, उसको इतना भ्रष्ट क्यों किया, किसने किया? मंदिर की जब अपन पृष्ठभूमि पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, एक्चुअली पहली शताब्दी में जो मंदिर उसने, ये हेरोद महान ने बनवाया था, वो 70 ईस्वी तक खड़ा रहा था। 70 ईस्वी में रोमियों ने आके उसको बर्बाद कर दिया था। तो मंदिर के बनाने से लेकर 70 एडी तक मंदिर के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स कई इतिहासकारों ने लिखा है। और जब हम उन इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए डिटेल्स को पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि वो मंदिर लगभग एक परिवार के नियंत्रण में था, उस समय जो महायाजक था उसके नियंत्रण में था। महायाजक मंदिर को प्रभु की आराधना के स्थल के बदले
धंधा करने के लिए यूज करता था। वो लोभी, लालची, कपटी, कुकर्मी और हत्यारा व्यक्ति जीवित परमेश्वर को आदर देने के बदले जीवित परमेश्वर का जो मंदिर है उसको धंधे के लिए यूज कर रहा था, और धंधे के लिए यूज करते करते उसका मन इतना भ्रष्ट हो चुका था कि वह देवालय जिसके अंदर साफ, एकदम से साफ वातावरण में यहूदी विश्वासियों को शांति और सुगंध के साथ प्रभु की आराधना करनी है, वहां दुर्गंध ही दुर्गंध, मूत्र और मल फैला हुआ है, ऐसी स्थिति उसने कर दी। आपको लगेगा कि ये शायद अपने आप में एक अपवाद है, ऐसा तो देवालयों में या प्रभु के मंदिर में नहीं होता है। यदि आपको ऐसा लगता है तो थोड़ी सी देर रुक जाइए, क्योंकि आज का ये अध्ययन ऐतिहासिक तौर से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इतिहास जो नहीं समझता है वो उन्हीं बातों में फंस जाता है। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि जो अपने इतिहास को नहीं जानता वो उसी इतिहास में से होकर गुजरने को मजबूर है। जो अपने गंदे इतिहास को नहीं जानता वो उसी गंदे इतिहास में से होकर गुजरने को मजबूर है। ये मेरे आपके चर्चेज के हर विश्वासी के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए पृष्ठ आज काफी मैं आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताता चला जाऊंगा। तो हम देखते हैं कि ये मंदिर जो कि शुद्ध, पवित्र, साफ और सुगंध से भरा हुआ होना चाहिए, वो अशुद्ध मल मूत्र से भरा बदबूदार हो गया है। क्यों? महायाजक इसको वहां मंदिर को धंधे के लिए यूज कर रहा था। 14वें पद में एक और स्टेटमेंट है, सर्राफों को बैठे देखा। आजकल सर्राफ लोग नहीं होते हैं, या जो होते हैं उत्तर भारत में जो सराफा बाजार होते हैं वहां वो लोग जनरली सोना चांदी बेचते हैं, लेकिन प्रभु यीशु का समय जो था उस समय सर्राफ लोग ना केवल सोना चांदी बेचते थे, पैसे का एक्सचेंज वो लोग करते थे। आज यदि कोई व्यक्ति देश से विदेश जा रहा है तो बैंक में जाकर पैसे का एक्सचेंज करता है, या एयरपोर्ट में जाकर अपना पासपोर्ट दिखाता है कि मैं फलाने देश जा रहा हूं, तो उसको वहां पर बैंक वाले पैसा देते हैं। प्रभु यीशु के जमाने में सर्राफ लोग ये काम करते थे। तो ये जो जानवर बेचने वाले थे उनके बगल में जो सर्राफ बैठे हुए थे, ये ऐसे लोग थे जो पैसा हैंडल करते हैं। तब एक प्रश्न मन में आता है, प्रभु यीशु के जमाने में तो पैसा चांदी के सिक्कों में होता था, और यहूदियों के सारे देश में एक ही प्रकार की करेंसी चलती थी। आज जैसे सारे हिंदुस्तान में रुपया चलता है, यहूदियों के सारे प्रदेश में सिर्फ जब एक ही प्रकार की करेंसी चलती थी तो मंदिर के अंदर सर्राफों के बैठने का क्या मतलब था? ये एक्चुअली लूट का हिस्सा था। ये जो महायाजक लोग थे उन्होंने जनता को लूटने के लिए एक सिस्टम बनाया। सिस्टम क्या? कि यहूदियों के सारे प्रदेश में सरकार के द्वारा जो सिक्का चलाया जाता है, चांदी का सिक्का, वो सिक्का प्रभु के मंदिर में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रभु के मंदिर में प्रभु के मंदिर का सिक्का चलेगा। पुराने नियम में प्रभु ने इस तरह की कोई भी आज्ञा नहीं दी थी। पुराने नियम में मंदिर में अलग से सिक्का चलाने के लिए प्रभु ने नहीं कहा था, लेकिन उस समय का जो महायाजक था उस महायाजक ने उसके साथ लूट में शामिल जो गुंडे और लुच्चे लोग थे उनके साथ मिलकर मंदिर की करेंसी अलग से बनाई।
मंदिर की करेंसी जो अलग से बनाई थी वो करेंसी ये सर्राफ लोग बेचते थे, उसमें भी लूट। कैसे? मान लीजिए कि आप बाहर से आए, सर्राफ से कहा कि भैया मुझे मंदिर का पैसा दे दीजिए, तो बाहर से जो आता था वो यदि 1000 सिक्के देता था तो उसको मंदिर का सिक्का सिर्फ 800 मिलता था। अच्छा, मंदिर का सिक्का लेने के बदले सीधे सीधे वो जाकर बलिदान के लिए जानवर खरीद ले तो वो पैसा वो जानवर नहीं बेचते थे। कोई अपने घर से जानवर लाए, याजक बलिदान के लिए उसको स्वीकार नहीं करता था। मतलब मंदिर में हर जगह लूट थी। प्रभु का वचन कहता है कि हर परिवार अपनी अपने चॉइस के अनुसार जानवर लाए, लेकिन मंदिर में वो स्वीकार नहीं करते थे। मंदिर वो उनका कहना था मंदिर का ही जानवर खरीदो। पैसा देते थे, नहीं नहीं मंदिर का पैसा लाओ। मंदिर का पैसा लाने के लिए सर्राफों के पास जाना पड़ता था। सर्राफ लोग कमीशन के रूप में एक बहुत बड़ा हिस्सा उनसे लूट लेते थे। उसके बाद मंदिर का पैसा लेके जानवर लेने के लिए जाओ तो जो जानवर 500 का था उसको वो लोग 1000 का बेचते थे। मतलब कुल मिलाकर आदि से लेकर अंत तक यहूदियों का मंदिर, जीवित परमेश्वर की आराधना जहां होती है वहां लूट ही लूट मची हुई थी। इसलिए जानवर मंदिर के अंदर बंधे थे और इस कारण सर्राफ लोग मंदिर के अंदर बैठे थे। लूट यहां पर समाप्त नहीं होती है। मंदिर में जाकर आराधना वगैरह करके, बलिदान वगैरह करके जब वे लोग वापस जाते थे तो जब पैसा बचता था वो पैसा जब सर्राफ को दे देते थे तो सर्राफ फिर से कमीशन लेता था। जैसे मान लीजिए पहले 500 सिक्के दिए तो सर्राफ आपको 400 सिक्के देगा। वापस आके यदि मान लीजिए उसको 400 सिक्के देते हैं तो 500 सिक्के देने चाहिए, नहीं देगा। तो आते समय कमीशन की लूट, जानवर की कीमत में लूट, और वापस जाते समय जो मंदिर का पैसा है जो बाहर किसी काम का नहीं है उसकी वहां पर लूट। तो इस तरह से हर तरह से लूट ही लूट वहां पर मची हुई थी। प्रभु ने जब ये देखा तब प्रभु की प्रतिक्रिया क्या थी ये हम 15वें पद में देखते हैं। जरा 15 और 16 को पढ़ दीजिए भाई गब्बर सिंह। 15 और 16। और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिथरा दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतरों बेचने वालों से कहा इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। प्रभु यीशु ने जब ये देखा ये सब, ये मंदिर किसका है, मंदिर में किसकी आराधना हो रही है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बादशाह, दुनिया का जो शाहनशाह है उसकी आराधना के लिए जो मंदिर बनाया गया है उसमें बादशाह या शाहनशाह जो मनुष्य रूप में पधारे मनुष्य को उद्धार देने के लिए, तो देखा कि नंबर 1 आते में लूट, करते में लूट, जाते में लूट, और दुर्गंध से भरा हुआ वातावरण प्रभु से सहन नहीं हुआ। इसलिए प्रभु ने रस्सी ली और उससे कोड़े बनाकर सारे जानवरों को मार मार के वहां से बाहर कर दिया। यहां लिखा है मन रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों बैलों को मंदिर से बाहर कर दिया, सर्राफों के पैसे बिथरा दिए, पीढ़ी को उलट दिया। पीड़ों शब्द का उपयोग आजकल अपन नहीं करते। कहने का मतलब यह है टेबल पर सर्राफ लोग जो सिक्के रख के बैठे थे सब प्रभु ने वहां से उठा के फेंक दिया या बिखरा दिया। कबूतर बेचने वालों से कहा ले जाओ, मेरे पिता के भवन को व्यापार का घर मत बनाओ। हिंदी में ये जो आजकल जो ट्रांसलेशन है उसमें बहुत ही सॉफ्ट भाषा में उसका अनुवाद किया गया है। प्रभु ने जो कहा ओरिजिनल उसका ट्रांसलेशन है मेरे पिता के घर को डाकुओं की खोह मत बनाओ।
उस जमाने में प्रभु यीशु का जो युग था, उस युग में डाकू लोग शहर में आकर लूटपाट करके रात ही रात जंगलों में जाकर वहां जो गुफाएं हैं उसमें छुप जाते थे। गुफाओं को हिंदी में खोह भी कहा जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मेरे पिता के घर को डाकुओं का खोह या डाकुओं की गुफा मत बनाओ। तो प्रभु के मंदिर में जो लूट है उसके बारे में आज हमने यहां देखा। मेरे आपके लिए इसका क्या महत्व है ये जरा समझना जरूरी है। उसके लिए मैं फिर से आपको पृष्ठभूमि याद दिलाना चाहता हूं। परमेश्वर ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार मूसा ने मिलाप वाला तंबू बनाया। उसके आधार पर सुलेमान ने अति विशाल मंदिर बनाया जो ईसवी पूर्व 600 के आसपास गैर यहूदियों के द्वारा नाश कर दिया गया। इसके बाद हेरोद महान ने जब यहूदियों पर राज्य किया तब हेरोद महान ने एक अति महान देवालय का निर्माण किया, लेकिन तब तक यहूदियों का विश्वास इतना भ्रष्ट हो चुका था कि जो महायाजक के रूप में कार्य कर रहा था वो महायाजक अपने रिश्तेदारों के साथ और तमाम तरह के गुंडे लुच्चों के साथ यहूदियों का जो मंदिर है उसे जनता को लूटने के लिए यूज कर रहा था। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु को गिरफ्तार किया गया तो प्रभु को हन्ना के पास ले गया। हन्ना कौन था? महायाजक का ससुर था। सवाल यह है कि प्रभु को गिरफ्तार करके महायाजक के ससुर के पास क्यों ले गए? इसलिए कि ससुर और दामाद सबसे बड़े लुटेरे थे उस समय के, और प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए इन दोनों ने ही जनता को उकसाया था। ये इतिहास इन सब बातों की साक्षी है। इतिहास इस बात की भी साक्षी है कि महायाजकों के पास अपने गुंडों का एक संघ था जिसके द्वारा वे हरेक व्यक्ति को गिरफ्तार करने और लूटने वगैरह का काम करते थे। हमको शायद लगेगा कि धर्म का ये जो भ्रष्ट रूप है ये सिर्फ यहूदियों में मौजूद था। ऐसा नहीं है। यदि मसीही समाज अपने आप का ख्याल ना रखे और यदि हम प्रभु के वचन के अनुसार न चलें तो मसीही समाज भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। इसकी एक पृष्ठभूमि मैं आपको बताना चाहता हूं। एडी 33 के आसपास चर्च एज, जिसको हम मंडली का युग या कलीसिया का युग या सही सही शब्दों में कहा जाए तो कृपा युग कहा जाता है। कृपा युग जब चालू हुआ उसके बारे में प्रेरितों के कामों में काफी डिटेल हम देखते हैं, लेकिन पहली शताब्दी में ही हम देखते हैं कि मसीही विश्वास को भ्रष्ट करने की कोशिश बहुत लोगों ने की। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है गलातिया। गलातिया की मंडली में जब कुछ लोग सब अच्छा चल रहा था, यरूशलेम से कुछ लोग आए और उन्होंने ये टीचिंग दी कि यहूदियों की जो शिक्षा है उसके अनुसार मसीही लोग चलें, और मसीही लोग यदि यहूदियों की शिक्षा के अनुसार चलें तभी वो लोग सच्चे मसीही हैं। और गलातियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि पौलुस और पत्रस में बड़ा उग्र वाद विवाद हुआ और पौलुस को ये कहना पड़ा पत्रस से कि तुम यहूदी होकर प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते तो जो गैर यहूदी लोग हैं उनसे कैसे उम्मीद करते हो कि वे लोग प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे। ये सारी बातें गलातियों के पत्र में हम देखते हैं। इसकी पृष्ठभूमि मैं बता रहा हूं। पहली शताब्दी में ही मसीही धर्म को भ्रष्ट करके बिल्कुल
यहूदी लोग मंदिर में जो कर रहे थे उसके अनुसार करने की कोशिश लोगों ने की। हर मसीही को ये इतिहास मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपने भ्रष्ट इतिहास को नहीं जानते उनकी सबसे बड़ी सजा यह है कि वे उसी में से होकर गुजरते हैं। ईस्वी 350 के आसपास एक रोमी बादशाह था कॉन्स्टेंटाइन, उसने अचानक कोई सपना देखा। वो कहता है सपना देखा, लेकिन जो इतिहासकार हैं वे कहते हैं कि यह तो राज्य करने की साजिश थी। रातों रात वो एक मसीही बन गया, प्रभु को ग्रहण नहीं किया, प्रभु के द्वारा उद्धार नहीं, बस धर्म बदल लिया। उसके साथ साथ रोमी शासन या रोमी जो धर्म था उसके जितने पुरोहित पूजे जितने पुरोहित पुजारी पंडे थे वे सब के सब ईसाई पादरी बन गए। और इस तरह से ईस्वी 350 में वही शोषण मसीही मंडली में आरंभ हो गया जो यहूदियों के मंदिर में हमने देखा था। यहूदियों के मंदिर में हम देखते हैं प्रभु ने कहा मेरे पिता के भवन को डाकुओं की गुफा मत बनाओ। लेकिन जब भी प्रभु के बच्चे इन बातों को भूल जाते हैं तो प्रभु के भवन में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। एडी 300 में 350 के आसपास जब रोमी सम्राट रातों रात मसीह बन गया और उसके साथ रोमी देवी देवताओं की आराधना करने वाले लोग रातों रात मसीही पुजारी और पंडे बन गए, तो रोमी लोग जिस तरह से जनता का शोषण करते थे वही शोषण मसीही जगत में आरंभ हो गया। आज भी वो चल रहा है, उद्धार के लिए पैसा, उद्धार के लिए धन, उद्धार के लिए वो, उद्धार के लिए ये इतना ज्यादा हो गया था, इतना ज्यादा हो गया था कि आज से लगभग 500 साल पहले मसीही मंडली के लोग स्वर्ग जाने के लिए सर्टिफिकेट बेचने लगे थे। आज जो लोग ये संदेश सुन रहे हैं इनमें से कई लोग हो सकता है उन्होंने ना सुना हो। अफसोस की बात है कि आपने ये बातें नहीं सुनी, क्योंकि जो इन बातों को नहीं जानता है वो इन बातों में से होकर गुजरने के लिए ठहराया गया है, ऐसा इतिहास बोलता है। आज से 500 साल पहले एक बहुत ही चालाक वक्र बुद्धि वाला एक पादरी था, उसने मसीही मंडली को मना लिया कि स्वर्ग जाने के लिए सर्टिफिकेट बेचा जाए, और बाकायदा मसीही मंडली में स्वर्ग जाने के लिए सर्टिफिकेट बेचा जा रहा था। उसके बारे में एक कहानी है कि एक बार एक चोर रात को एक पादरी के घर में घुसा, पादरी की नींद खुल गई, पादरी ने पूछा कि तू मेरे घर में चोरी, पादरी के घर में चोरी कर रहा है क्या, तू तो नरक जाएगा। तो चोर ने जवाब दिया कि फादर, स्वर्ग जाने का सर्टिफिकेट मैं आपसे ही ले चुका, आपसे खरीदा है मैंने, और इस कारण मुझे यकीन है कि मैं नरक नहीं जाऊंगा। ऐसी गंदी स्थिति हो गई थी, ऐसा भयानक सिचुएशन। पुराने जब प्रभु यीशु संसार में थे तो मंदिर में जिस तरह से धंधा हो रहा था, मंदिर में जिस तरह से लूट हो रही थी, आज से 500 साल पहले मसीही जगत में भी इस तरह की लूट, अंधाधुंध लूट का युग था। उस समय प्रभु ने एक महान व्यक्ति या विद्वान को प्रकाश दिया। जब वो विद्वान, जिसने कम से कम मेरा अनुमान है कि 20-25 साल सेमिनरी के अध्ययन में बिताया, जब प्रभु के वचन से रोमियों की पत्री 5वें अध्याय के पहले पद को जब वो पढ़ रहे थे जहां लिखा है सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे,
अचानक उनको ये बात स्पष्ट हुई कि व्यक्ति सर्टिफिकेट खरीदने के द्वारा या मसीही पुजारी पंडों को पैसा देने के द्वारा या उनके द्वारा प्रार्थना करवाने के द्वारा उद्धार नहीं पाता है, बल्कि मसीही विश्वासी या एक व्यक्ति उद्धार पाता है विश्वास के द्वारा। रोमियो 5:1 मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहां जितने मसीही भाई बहन हैं उन सबको ये पद याद कर लेना चाहिए, अपने बच्चों को याद दिला देना चाहिए। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, हम विश्वास से धर्मी ठहरे। ये पद जिस महान व्यक्ति ने समझने के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन आरंभ किया था, उस व्यक्ति का नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर के इस आंदोलन के कारण दुनिया में करोड़ों लोग उस मसीही पंडे पुजारियों की गुलामी से बच गए। उन लोगों ने विरोध किया प्रभु के वचन का, ये जो भ्रष्ट रूप है उस भ्रष्ट रूप का उन्होंने विरोध किया, और उस भ्रष्ट रूप का विरोध करने के कारण, प्रोटेस्ट करने के कारण वे लोग प्रोटेस्टेंट कहलाए। आप में से लगभग सभी को इस बात का अनुमान होगा कि इवन ब्रदरन विश्वासियों को प्रोटेस्टेंट विश्वासियों की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? आज से 500 साल पहले हमने इस बात की घोषणा की कि उद्धार विश्वास के द्वारा है, मसीही पंडे पुजारियों को पैसा देकर उनकी लूट के शिकार होकर उनसे सर्टिफिकेट खरीद के नहीं, बल्कि उद्धार विश्वास के द्वारा है। ये जो इस तरह से प्रभु के वचन मंदिर में जो लूट है और उस लूट का जो विरोध है, ये पुराने नियम के समय से आरंभ हुआ, और उसका सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है जब प्रभु यीशु ने देवालय में जाके कहा, ये मेरे पिता का भवन है, इसको डाकुओं की गुफा मत बनाओ। लेकिन 350 ईस्वी में मसीही मंडली में जो बदलाव आए, उसका परिणाम यह हुआ कि आज से 500 साल पहले मसीही मंडली, क्रिश्चियन चर्च, लूट के अड्डे बन गए थे। ना केवल लूट, बल्कि अय्याशी के अड्डे बन गए थे। जहां लूट होती है वहां अय्याशी होती है, यह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। लेकिन आज से 500 साल पहले पवित्र आत्मा ने मार्टिन लूथर नाम के व्यक्ति के जीवन में कार्य किया। जब उसने देखा प्रभु का वचन कहता है जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, धर्मी ठहरना पैसा देने के द्वारा, सर्टिफिकेट खरीदने के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा होता है, इसको समझा, और इस कारण प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट नवीनीकरण का आरंभ हुआ। आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपको मालूम है क्या हम ब्रदरन क्यों कहलाए जाते हैं? जो मलयाली लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उन्हें ये याद है क्या कि हम लोग क्यों मलयालम में वरबाड़गार कहलाए जाते हैं? इसका एक कारण है, आज से लगभग 150 साल पहले प्रोटेस्टेंट चर्चेस में एग्जैक्टली इसी तरह से लूट की स्थिति आ गई थी। प्रोटेस्टेंट चर्चेस में जब लूट की स्थिति आ गई, प्रोटेस्टेंट चर्च के जो पंडे पुजारी है वे जब जनता को लूट रहे थे, तो सबसे पहले तो इंग्लैंड में इन चर्चेस के जो अंग हैं, ऐसे कुछ लोगों ने उसका विरोध करके, हमको ना पंडे चाहिए ना पुजारी चाहिए, प्रभु ने हम में से हर व्यक्ति को याजक ठहराया है, यह कहकर अलग हुए। और इस तरह से इंग्लैंड में एक नए आंदोलन का आरंभ हुआ, जहां सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा रखते थे। इस भाईचारे को देखकर दूसरे लोगों ने इन लोगों को ब्रदरन कहना शुरू किया। हिंदुस्तान में इसी तरह से एक आंदोलन चालू हुआ,
अंग्रेजों ने नहीं चालू किया था, ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ कई लोगों को कि ये गलतफहमी है कि हिंदुस्तान में जो ब्रदरन मूवमेंट है ये अंग्रेजों ने चालू किया था। अंग्रेजों ने नहीं चालू किया था, हिंदुस्तान में जो ब्रदरन मूवमेंट है उसके लिए एक हिंदुस्तानी व्यक्ति जिम्मेदार था जिसका नाम है तमिल डेविड। तमिल डेविड की जीवनी मैंने अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषा में लिखी है, जिसको आप निश्चित रूप से पढ़ें। आज से लगभग 125 साल पहले भारतीय जो प्रोटेस्टेंट मंडलियां हैं, इन मंडलियों में इसी तरह से लूट ही लूट थी। उस समय लगभग 8 लोगों ने अपनी अपने चर्च से विद्रोह करके एक पेड़ के नीचे, मैं जो जहां से यह संदेश दे रहा हूं यहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर बिना किसी पंडे या पुजारी के प्रभु की आराधना की और प्रभु भोज में भाग लिया। इन लोगों ने एग्जैक्टली वही कहा जो मार्टिन लूथर ने कहा था। मार्टिन लूथर ने एग्जैक्टली वही कहा जो प्रभु यीशु ने कहा था कि यह प्रभु का मंदिर है, यह डाकुओं की खोल नहीं है। प्रभु ने कहा, मार्टिन लूथर ने कहा, आज से लगभग 130 साल पहले कुछ लोगों ने कहा, वे लोग इस तरह की लूट से दूर हो गए, इस कारण उनको अलग हुए लोग कहा जाता है, जिसको मलयालम में वर्बाड़गार कहा जाता है। इवेंचुअली सुविधा के लिए हम लोगों ने अपने आप को ब्रदरन भी कहना चालू कर दिया। तो आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु का वचन याद दिलाता है कि प्रभु के भवन में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आत्मिक जीवन को लूट के लिए यूज करते हैं। इसके बारे में प्रभु के वचन में कई बातें बताई गई हैं, जिसमें से एक भाग मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फिलिपियों की पत्री 3:18 से लेकर आगे हम देखेंगे। फिलिपियों की पत्री 3:18, भाई गब्बर सिंह 18 और 19 जरा पढ़िए। क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते रहते हैं। ये किन लोगों के बारे में है, पहले तो ये समझ लीजिए, ये उन लोगों के लिए है जो मंडली के अंदर हैं। और पहली शताब्दी में ही इस तरह के लोग हो गए थे, क्योंकि ये देखा गया है कि जिसके पास भी अधिकार होता है वो अपने अधिकार को लूट के लिए यूज करता है। मसीही मंडली में भी ऐसा ही है। पहली शताब्दी में इस तरह के लोग हो गए थे जिनके बारे में प्रभु के वचन में अभी हमने पढ़ा, बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है, अब भी रो रो कर एक प्रभु के एक अपोस्टल को, प्रेरित को रोने की क्या जरूरत है। इसलिए कि जो लोग लूटते हैं वो लोग लोगों के ऊपर ऐसा जादू चला देते हैं, उनका वशीकरण मंत्र ऐसा चलता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये लोग हमको लूट रहे हैं। अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से क्रूस के बैरी हैं। ये लोग ऐसे हैं जो मसीही मंडली के अंदर है। जिस तरह से महायाजक यहूदियों का आत्मिक लीडर था, उसी तरह से मसीही मंडली में ही ऐसे लोग हैं जो क्रूस के बैरी हैं। अगले पद में हम 3:19 में हम देखते हैं उनका ईश्वर पेट है। महायाजक धंधा क्यों कर रहा था? प्रभु ने तो याजकों के परिवार के लिए, लेवी लोगों के लिए, तो लेवी गोत्र के लोगों के लिए और हारून के गोत्र के लोगों के लिए तो बहुत भारी राशि तय की थी जो प्रभु के लोगों से उनको मिलता था, जिससे वे आराम से जी सकते थे। लेकिन प्रभु के द्वारा दिया गया जो धन है वो उनकी अय्याशी के लिए पर्याप्त ना होने के कारण वे लोग लूट पर उतर आए। यही फिलिपियों 3:19 में कहा गया है कि उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बात पर घमंड करते हैं और उनका मन पृथ्वी की वस्तुओं पर है।
मेरे आपके लिए इसका क्या पाठ है? मेरे आपके लिए इसका बहुत पाठ है, इसमें से बहुत सारी बातें मिलती हैं। प्रिय भाई और बहनों, मुझे और आपको जो आत्मिक आजादी मिली है, इस आजादी के लिए बहुत लोगों ने बहुत अधिक त्याग किया है। आपको मालूम है क्या कि जब भारत में ब्रदरन मूवमेंट चालू हुआ था, सैकड़ों लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया, मारा गया, यातना दी गई। एक महान प्रभु के दास, जब उनकी बिटिया 11 साल की उम्र में अचानक गुजर गई, लोगों ने कहा तुमने चर्च को छोड़ दिया, अलग से एक आंदोलन कर ली, इसलिए ऐसा हुआ है। दुख के साथ उसको दफनाया गया। अगली सुबह जब सब लोग उठे तो पता चला कि वह डेड बॉडी तो घर के सामने जो दीवार उस पे रखी हुई है। बदमाशों ने, धार्मिक बदमाशों ने रात को जाकर कब्र खोद के उस बच्ची की डेड बॉडी लाके उनके घर के सामने रख दी थी। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मुझे याद है यहां पर। जिन लोगों ने प्रभु के वचन को समझकर ब्रदरन असेंबली की स्थापना की थी, उनको सताया गया। कम से कम एक ब्रदरन भाई ऐसे हैं जो शहीद भी हो गए, जिनकी हत्या इसलिए की गई कि वे प्रभु की सेवा कर रहे थे। ये सारी बातें आज इतना इतिहास मैंने क्यों सुनाया, इसलिए कि धीरे 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 हम लोग यदि हम ख्याल नहीं रखेंगे तो गुलामी की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इनमें से ऐसे कई भाई और बहन हैं जो प्रभु का खरा खरा वचन सुनने के बदले ब्रदरन असेंबली के बाहर जाकर ऐसे लोगों का वचन सुनते हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य लूटना है। मैं ऐसे कई भाइयों को और बहनों को जानता हूं जो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ गए हैं। एक ने एक दिन बुला के मुझसे कहा कि ब्रदर, हमारे घर के ऊपर किसी ने टोना कर दिया है और घर के बगल में कुछ गाड़ दिया है। अच्छा, मैंने कहा तुमको कैसे मालूम, तुमको दर्शन आ रहा है क्या कि किसी ने टोने के? नहीं नहीं वो क्या हुआ कि कल को एक पादरी इधर से निकले थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में तो बड़ी मुसीबत है और इसका कारण यह है। प्रिय भाई और बहनों, ये सिर्फ एक उदाहरण मैंने आपको बताया है। जो लोग आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं, सबको, सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रभु के वचन को सबसे स्पष्टतया जो लोग समझते हैं और सिखाते हैं वो ब्रदरन असेंबली है। और इसलिए आप प्रभु के वचन को सीखने के लिए ब्रदरन कम्युनिटी में ही रहें। इधर उधर जाकर, जिस तरह से गैया सड़क पर जाते समय सब जगह मुंह मारती चली जाती है, इस तरह से प्रभु के वचन को सीखने के लिए इधर उधर मुंह ना मारे। मुंह मारे तो होगा ये कि जो लोग लोगों को उनकी भावनाओं में डरा कर लूटते हैं, वे लोग आपको शिकार बना देंगे, आप लूट जाएंगे। मैंने पूछा कि अच्छा वो पादरी क्या कह रहा था? उसने कहा कि घर में 3 दिन का उपवास रखा जाए। अच्छा, उपवास के बाद क्या होगा? जब मैंने और डिटेल में पूछा, उन्होंने कहा कि उपवास के बाद वो टोना निकाल देंगे, उसके बाद परिवार की जैसी श्रद्धा हो कुछ दे देना। मैंने कहा श्रद्धा हो कुछ दे देना, 5 का 1 नोट पकड़ा देंगे तो वो लेके चला जाएगा। चला जाएगा क्या? तो बोले अरे नहीं, वो तो कहता है, उसने पहले ही बता दिया कि फलाने घर से मैंने टोना निकाला, उन्होंने 10,000 दिया, उधर नगर सेठ के घर से निकाला, उन्होंने 25,000 दिया, पहले ही उन्होंने अपना रेट बता दिया है। प्रिय भाई और बहनों, ये है आत्मिक लूट। और आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रभु यीशु के जमाने में आत्मिक लूट थी, आज भी आत्मिक लूट है। उस समय जो धर्मगुरु थे वो लूट कर रहे थे, आज भी धर्मगुरु लोग लूट कर रहे हैं। इसलिए जो लोग आज प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उन सबको क्लोजिंग में मैं फिर से याद दिला दूं, प्रभु का वचन साफ साफ खरा खरा
जैसा वो है वो ब्रदरन असेंबलीज में सिखाया जाता है, इसलिए इधर उधर मुंह मारने की कोशिश ना करें। खासकर जिन लोगों को टेलीविजन के द्वारा इधर उधर के प्रचारकों को सुनने की आदत है, उन सबको मैं बताना चाहता हूं, आप जानबूझकर अपना गला काटने के लिए उनको दे रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। प्रभु के मंदिर में लूट होती है, पिछले 2000 साल का उदाहरण हमारे सामने है। प्रभु के मंदिर में, बादशाह के महल में लूट हो रही है, उस लूट में ना पड़े। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन सीखें तो ब्रदरन टीचर्स जो प्रभु का वचन खरा खरा सिखाते हैं, जैसा है वैसा सिखाते हैं, उन लोगों से सीखिए, इधर उधर मुंह मारने की कोशिश ना करें। प्रभु आप सबको अपना अनुग्रह दें, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।